जिले की यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन और यातायात को बाधित करने अव्यवस्थित रूप से सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूल कर भविष्य में नो पार्किंग में वाहन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विश्वास चंद्राकर के दिशा निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत नेहरू नगर चौक से खुर्सीपार चौक तक जी रोड में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालकों की अनुपस्थिति में वाहनों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। साथ ही सर्विस रोड में खड़े यातायात को बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अभियान की जानकारी एएसपी ट्रैफिक विश्वास चंद्राकर ने दी। नो पार्किंग और सर्विस रोड में वाहनों को खड़ी कर देते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ होती है, आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इसको डिमोरलाइज करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक दिन में 35 कार्रवाई हुई है, जिसमें 14 लोगों को फाइन हो चुका है, बाकी को नोटिस दिया गया है, उनके द्वारा भी फाइन पटाया जाएगा। यह कार्रवाई अभी जारी रखी जाएगी ताकि इस प्रकार के जिनके द्वारा किया जा रहा है वो डिमोरलाइज हों। उस सड़कों में रहने स्थित जो अन्य वाहन खड़ी करके रखते हैं उनको भी वार्निंग दिया गया है। सर, लगातार देखा जा रहा है सर, पिछले काफ़ी वक्त से अपना 4 लेन जी रोड और पावर हाउस चौक से लेकर के नंदनी रोड ACC चौक तक लगातार भारी वाहन जो गैरेज मालिक के साथ सड़कों पर वाहन खड़ा करके वाहनों की रिपेयर करते हैं सर, इन पर किस तरह कार्रवाई की जाए? पुलिस इस संबंध में बीच बीच में अपना अभियान चलाती है, कार्रवाई करती है, लोगों को समझाइश भी देती है। उसके बाद भी इस प्रकार के उनकी आदतों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, फिर से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। बहरहाल यातायात पुलिस ने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। साथ ही जी रोड के गैरेज संचालकों को सड़क पर वाहन पार्क कर मरम्मत करने से रोकने सख्त हिदायत भी दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।